हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। आज का हमारा क्लास है ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके थ्रू हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब टॉपिक जो है आपके ईवीएस के क्लियर हो चुके हैं थ्योरी पार्ट के। ठीक है, तो अब जो है आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं, जिनके थ्रू जिनके आंसर्स आपको खुद से देने की कोशिश करनी है। मैं भी आपके आंसर बताऊंगी, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पहले खुद आंसर चेक कीजिए अपना, देन आंसर दे दीजिए, उसके बाद जो है वीडियो को रन करके जो है आप अपना आंसर चेक कर सकते हो दैट इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना समझ आ गया है चीज़ें, कितना आपने पढ़ ली हैं और कितना और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स। तो यहाँ पे सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि सेपरेशन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें सॉलिड फ्रॉम सॉलिड कंपोनेंट्स जो है हम सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, फिर कुछ एक हम सॉलिड एंड लिक्विड को के सेपरेशन में हम यूज़ करते हैं मेथड्स। कुछ ऐसे मेथड हैं जिनको हम लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर के सेपरेशन में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है सॉलिड एंड सॉलिड्स, मीन्स सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स। तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स में जो मेथड है वो है मैनुअल सेपरेशन होती है उसमें। मैनुअल सेपरेशन मीन्स आप अपने हाथों से जो है सेपरेट कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं कि हमें राइस में से कुछ कंक्रीट निकालना है, या दालों में कुछ छोटा छोटा पत्थर आ जाता है, तो हम उनको मैनुअली अपने हाथों से निकाल सकते हैं। दैट इज़ अ वन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। तो मैनुअल सेपरेशन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन भी जो है इट हेल्प टू फिल्टर द फाइन मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन द ग्रेन। आप देखोगे कि गेहूं में अगर बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक कुछ मैटर है कोई किसी भी फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में मींस, तो उसको अगर हमें अलग करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक पतली जाली की हेल्प से उसको छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। या फिर सैंड को कंक्रीट से हम जो है फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये भी सॉलिड कंपोनेंट्स के लिए एक सेपरेशन मेथड है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थ्रेशिंग की, तो थ्रेशिंग भी जो है सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बिकॉज थ्रेशिंग जो है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी सेपरेट द एडिबल पार्ट फ्रॉम द स्टॉक और हस्क। तो जब आपने गेहूं को उसकी घास से अलग करना होता है तो हम थ्रेशिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थ्रेशिंग मशीन जो है यूज़ की जाती है थ्रेशिंग में आजकल, पहले ये मैनुअली होता था। मैग्नेटिक मेथड जो है, मैग्नेटिक सेपरेशन भी इसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो मैग्नेट जो है वो अगर किसी भी एडिबल आइटम में कोई आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, स्टील है, तो उसको जो है दोनों सॉलिड पार्टिकल्स को अलग अलग किया जा सकता है थ्रू मैग्नेट। तो मैग्नेटिक मेथड भी सॉलिड्स सेपरेशन में हेल्प होता है। विनोइंग है, विनोइंग में क्या करते हैं, हम एयर ब्लो करते हैं जिससे जो है ग्रेन, जो गेहूं या जो भी ग्रेन है वो उसकी घास से अलग हो जाता है उस हवा के प्रेशर से, ठीक है। तो थ्रेशिंग के बाद जो है हम विनोइंग करते हैं। तो ये चारों मेथड जो हैं हम यूज़ करते हैं हमारे सॉलिड से सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। तो इसका आंसर जो है अब यहाँ पे ए बी डी है, ए बी सी है, ए सी डी है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो जब चारों मेथड यूज़ हो रहे हैं तो इट मींस ऑल ऑफ दीज, ओके। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज करेक्टली पेयर्ड, मींस जो ऑप्शन ए बी सी डी दी हुई है उसमें करेक्टली पेयर्ड कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मिज़ोरम और आइजवाल है, नागालैंड है, कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश प्रदेश और इम्फाल है, झारखंड एंड रायपुर का कॉम्बिनेशन है। तो इनमें से आपने देखना है करेक्टली पेयर्ड कौन सा है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो है मिज़ोरम का कैपिटल जो है आइजवाल है, देन नागालैंड का भी जो है कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उसका कैपिटल जो है क्या है, इम्फाल नहीं है, ईटानगर है, और झारखंड का रायपुर नहीं है, रांची है। तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्टली पेयर जो हमारे हैं वो ए एंड बी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए एंड बी फर्स्ट है, तो ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
थर्ड क्वेश्चन में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें से हमें बेस्ट जो स्टेटमेंट है जो मून के बारे में एक अच्छी डिस्क्रिप्शन दे रही है, सही है, उसे हम फाइंड आउट करेंगे. द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज नो वाटर, डीप क्रेटर्स, हाई माउंटेन्स. नो वाटर, इनफ एयर एंड हाई माउंटेन्स. तो हाई माउंटेन्स सही है, बट एनफ एयर जो है यहाँ पे नहीं है बिकॉज मून पे, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया. नो वाटर, नो एयर, ये तो सही है, एंड नो ग्रेविटी. ठीक है, तो ये हमारा है एक, तो ये इसको भी हम अभी साइड में रखते हैं. नेक्स्ट है हमारा नो एयर, नो ग्रेविटी एंड स्मूथ सरफेस. तो ग्रेविटी, स्मूथ सरफेस तो नहीं है क्योंकि जो मून का सरफेस है उसमें क्रेटर्स हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो जो बेस्ट वन है वो है फर्स्ट वन, क्योंकि अर्थ पे, सॉरी मून पे वाटर नहीं है, मींस नो वाटर, डीप क्रेटर्स हैं वहाँ पे, और जो वहाँ का लैंड नेचर है वो है वहाँ पे हाई माउंटेन्स हैं. ठीक है, तो वन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट डिस्क्राइब्स द सरफेस ऑफ द मून इन अ बेस्ट वे. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा हाउस बोट्स. हाउस बोट्स आर सीन एट, सो हाउस बोट्स आर सीन एट थार डेजर्ट, डल लेक, लद्दाख और नन ऑफ दीज. तो हाउस बोट्स को आपको पता ही होगा, हम मैंने आपको ये करवाया हुआ है वीडियो में, तो आप यहाँ पे, आपको अगर पता है कि हाउस बोट्स कहाँ पे होती हैं तो आप सही ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, वो है हमारा डल लेक. ठीक है, डेजर्ट में तो नहीं होंगी क्योंकि बोट है तो कहीं पानी में ही होगी, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया. सेकंड हमारा ऑप्शन सही है, एंड लद्दाख में जो है क्योंकि लद्दाख जो है वो पूरा बर्फ़ वाला एरिया है. ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह के घर नहीं होते हैं, वहाँ पे हाउस बोट्स नहीं होती हैं, बट वुडन हाउसेस होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बीज टू जो ऑप्शन है वो सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर पंप इज़ कैप्ट इन एन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू. तो एक्वेरियम में आपने देखा होगा कि एयर पंप लगा होता है, बहुत सारे एक्वेरियम्स में, जो बड़े बड़े एक्वेरियम होते हैं उन पे वो एयर पंप लगा के रखा होता है. तो क्या पर्पज़ है उस एयर पंप का? मेक वाटर क्लीनर, प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू द वाटर प्लांट्स, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, एंड एनहांस द ब्यूटी ऑफ द एक्वेरियम. तो एक्वेरियम की ब्यूटी के लिए तो नहीं होता है वो, और उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो उनके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो प्लांट्स जो हैं मोस्टली आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, और वाटर को क्लीन करने के लिए भी ये नहीं होता है. इट इज़ द मेन पर्पस जो होता है एयर पंप का, इट इज़ टू अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज, तो अर्थ पे जो मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है वो है हमारा ग्लेशियर. वेरी क्लियर आंसर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ जो है, अ बायोकेमिकल कंपाउंड दैट रेडली कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी. तो कौन सा कंपाउंड है, बायोकेमिकल कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को के साथ कंबाइन होके जो है उसको पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो बायोकेमिकल कंपाउंड इज इट क्लोरीन, इज इट वाटर, इज इट यूरिया और हेमोग्लोबिन. तो आंसर होगा इसका हेमोग्लोबिन. नेक्स्ट हमारा है, नाइट ब्लाइंडनेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जाते हैं, मतलब पूछा जाएगा आपको, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से जो किसी डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो वो उसका मेन कॉज कई बार पूछ लेते हैं, उसकी डेफिशिएंसी, किस डेफिशिएंसी से वो हो रहा है, या फिर कुछ आपको ऑप्शंस विटामिन दिया होगा नाम, उसकी डेफिशिएंसी से आपको कौन सा डिजीज होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं. नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किससे एसोसिएटेड है, विटामिन सी, डी, ए या फिर ई से. तो यहाँ पे सी, डी, ई तो नहीं है, आंसर है हमारा विटामिन ए. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनरल डेफिशिएंसी कॉजेस. अगर मिनरल की डेफिशिएंसी है तो उसका, उससे क्या डिजीज जो है वो हो सकती है, पॉसिबिलिटी किसकी है? मैरिस्मस, क्वाशरकोर या मेंटल रिटार्डेशन या फिर स्कर्वी.
तो मिनरल डेफिशिएंसी मींस जो भी आयरन पोटाशियम कैल्शियम प्रोटीन्स हैं उसके सॉरी प्रोटीन नहीं, तो ये जो पोटाशियम मैग्नीशियम सोडियम फास्फोरस, तो ये इनकी डेफिशिएंसी से जो है कौन सा डिजीज़ आपको हो सकता है। द आंसर जो है इसके लिए, अगर आपको मेंटल ट्रेडिशन ऑप्शन में है और ये मतलब एक बेटर ऑप्शन, तो इसमें स्कर्वी होगा, बिकॉज स्कर्वी जो है वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी से, अगर हम इन चारों में से चूज़ करते हैं तो स्कर्वी होगा, ठीक है। और अगर स्कर्वी नहीं है ऑप्शंस में, सिर्फ मेंटल ट्रेडिशन, क्वाशरकोर और मेलासमस और कुछ और दिया है जो आपको पता है कि वो नहीं होता है मिनरल की डेफिशिएंसी से, तो वहाँ पे आंसर मेंटल ट्रेडिशन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्योंकि स्कर्वी है तो आंसर जो है वो होगा स्कर्वी, ठीक है। और हमने शायद वन क्वेश्चन ही स्किप कर दिया है यहाँ पे, टेबल सॉल्ट प्रोवाइड विच मिनरल, तो जो टेबल सॉल्ट होता है वो कौन सा मिनरल हमें प्रोवाइड करता है, इज़ इट प्रोवाइड पोटाशियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस या सोडियम, तो आंसर जो है हमें सॉल्ट से क्या मिलता है, सोडियम मिलता है, ठीक है। तो सोडियम जो है वो सॉल्ट में होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 4। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस अराउंड, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको अभी और कितना पढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो अपना कमेंट जरूर जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक।